Good morning, friends. This is Diljit Singh from MBSL Jalandhar, 120 feet road, Bhayamadi Chowk. And yes, we teach IELTS, PT and some other kind of English test. तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ राइटिंग टास्क 2 की। ये पूरी की पूरी आप वीडियो देख लो और आपको IELTS राइटिंग टास्क 2 की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि राइटिंग टास्क 2 में होता क्या है विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चंस टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टाइप है, आर्गुमेंट ओपिनियन से लेके प्रॉब्लम सॉल्यूशन तक पूरी की पूरी डिटेल एक सिंगल वीडियो में। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रैक IELTS विद गुड स्कोर। और सबसे पहली चीज जो है वो राइटिंग टास्क 2 की है, उसे अंडरस्टैंड कैसे करना है, तो इसे वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट राइटिंग टास्क 2। आइए चलिए देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो असेसमेंट क्राइटेरिया। राइटिंग टास्क 2 का असेसमेंट क्राइटेरिया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये चार चीजों पर काम करता है। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द टास्क रिस्पांस। अभी ये टास्क रिस्पांस क्या है? रिस्पांस मींस आंसर ऑफ द टास्क, कि आप आंसर इसका कैसे देते हो। प्रेजेंट ए क्लियर पोजिशन थ्रूआउट द एसे। थ्रूआउट का मतलब कि पूरे एसे में आपकी जो आंसर है वो प्रॉपर वे से होना चाहिए। Idea should be supported by evidences, example or may be drawn from your own experience. मैं इसको लेता हूँ, evidences किसी तरह की सबूत, example को example देके तो आप इसको justify कर सकते हो। Sufficiently address all parts, जब उसने लिख दिया all parts, तो जितने question पूछे गए हैं सभी का answer देना। मैं next line में बताऊंगा कितने questions होते हैं और आपको उनका answer कैसे देना है। रिस्पॉन्स मस्ट बी एटलीस्ट 50 वर्ड, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, अगर 250 वर्ड से कम होंगे तो डेफिनेटली यू विल बी पेनालाइज्ड। सो इस चीज को ध्यान से देखना आपको। नेक्स्ट जो है असेसमेंट क्राइटेरिया में कोहिजन एंड कोहेरेंस एंड कोहिजन मीन्स अभी ये चीजें हैं क्या? लॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को लॉजिकली यानी कि एक प्रॉपर वे से इन्फॉर्म करते हो, लिखते हो या नहीं लिखते हो। ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आपको कंप्यूटर में ऐसे दिया गया है तो लाइक आप सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में लिख दो, उसकी जब कैसे इसका जन्म हुआ था, डिस्कवरी किसके किसने की थी, दैट डजंट मीन। कोहेरेंस रेफर्स टू द लिंकिंग आइडियाज, यानी कि एक के साथ दूसरा लिंक बनना, दूसरे के साथ तीसरे का लिंक बनना, 1 2 3 ऐसे करके, तो हम इसे लिंकिंग आइडियाज बोलते हैं। नेक्स्ट है कोहिजन रेफर्स टू द वेरिड एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ कोहिसिव डिवाइसेस। वेरिड एंड एप्रोप्रिएट ये बहुत काम की चीज है। वेरिड एप्रोप्रिएट मतलब कि प्रॉपर वे से, ठीक वे से यूज ऑफ कोहिसिव डिवाइसेस फॉर कनेक्टिंग सेंटेंसेस। मैंने कोहिसिव डिवाइसेस की अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाके कोहिसिव डिवाइसेस के बारे में देख सकते हो। For connecting sentences and paragraphs, for example, logical connectors, connectors कौन कौन से हैं, क्या वो logically connect है या नहीं है, pronouns and conjunction, pronoun कौन कौन से हैं और उनकी conjunction कौन कौन सी है, ये सारी की सारी चीजें जो है proper वो आपका coherence and cohesion का part होता है। Next task assessment में आ जाता है lexical resources, wide range of vocabulary। जब मैं बात कर रहा हूँ wide range of vocabulary, This means कि आपके पास जो है सिर्फ vocabulary synonym में ही नहीं होने चाहिए बल्कि उसके word form भी होने चाहिए। For example, अगर noun दिया गया तो next time आप verb use करो, verb दिया गया तो next time आप adjective use करो। For precise means छोटे meaning के लिए, use of less common words, correct spelling, spelling of course आपके correct होने चाहिए। Use of less common words, जो common words हैं वो कम से कम use कीजिए, कोशिश कीजिए आप एक अच्छी quality के word use करें। Grammatical range and accuracy, wide range of sentences, same way, जब मैं range की बात करूँगा तो उसमें simple, complex structure भी आ जाएगा। Proper use of tenses, no grammatical error, of course कोई grammatical error नहीं होना चाहिए और sentence structure का proper से use होना चाहिए। तो ये है हमारे पास असेसमेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर्मेट। क्वेश्चन हमारे पास कितनी फॉर्मेट में आते हैं? देयर विल बी अ टॉपिक, एक टॉपिक दिया गया होगा, द टॉपिक विल बी आइदर ए पॉइंट ऑफ व्यू। अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आर्गुमेंट्स क्या है और प्रॉब्लम क्या है, ये तीन चीजों को होगा, या तो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर होगा,
या फिर किसी तरह के आर्गुमेंट को लेके होगा या फिर किसी तरह के प्रॉब्लम को लेके होगा। बेसिकली हम बात करें तो हम तीन तरह के टॉपिक हमारे पास होंगे, फॉलोड बाय अ क्वेश्चन आस्किंग योर रिस्पॉन्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिस्पॉन्स पूछा गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताने जा रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, आर्गुमेंट और प्रॉब्लम चीजें है क्या। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ऑफ व्यू, आर्गुमेंट और प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू, आर्गुमेंट और प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, पॉइंट ऑफ व्यू की डेफिनेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू इज स्पेसिफिक एटीट्यूड और मैनर थ्रू विच अ पर्सन थिंक्स अबाउट समथिंग, यानी कि किसी भी चीज का मैनर होना। मींस जैसे कि ये मैंने पिक्चर लगा रखी है, इसमें बताऊंगा मींस पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ लोग कहते हैं कि सपोज टॉपिक है हमारे पास, सम पीपल से दैट यूजेस ऑफ एआई इज गुड फॉर द एजुकेशन सिस्टम। कुछ लोग बंदे बोल रहे हैं नहीं यार ये ऐसा ठीक नहीं है, कुछ बोल रहे हैं हाँ ठीक है, कुछ बोल रहे हैं कि हाँ भी पता नहीं ठीक है या नहीं है। दैट इज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है हमारे पास आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जब दो बंदों के बीच में बात होती है जहां पर उनकी ओपिनियन में डिफरेंस होता है, अगर मैं इसकी वैसे डेफिनेशन लूँ, गूगल डेफिनेशन लूँ, आर्गुमेंट इज अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस, स्टेटमेंट और प्रपोजिशंस, सम ऑफ विच आर कॉल्ड प्रिमिसेस एंड वन इज द कंक्लूजन। सॉरी, तो यानी कि आर्गुमेंट में जब एक बंदे की ओपिनियन दूसरे से ना मैच कर रही हो, उसे हम आर्गुमेंट्स बोल देते हैं। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं, जब दो पार्टीज अपने से एक दूसरे से एग्री ना हो तो वो आर्गुमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है हमारे पास प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, प्रॉब्लम यानी कि जब किसी हम मुसीबत में फंसते हैं, इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखूं, अ मैटर और सिचुएशन रिगार्डिंग एज अनवेलकम और हार्मफुल एंड नीडिंग टू बी डील्ड विद एंड ओवरकम, यानी कि अनवेलकम, जिस चीज को हम वेलकम ही नहीं करते, रेकोगनाइज ही नहीं करते, उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं द प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग, तो राइटिंग को मैं वेलकम नहीं कर रहा हूं, तो भाई राइटिंग मेरे को अच्छी नहीं लगती है, तो प्रॉब्लम होगी मेरे लिए राइटिंग। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स माय स्टेटमेंट, दैट्स माय ओपिनियन, तो उस चीज को मैं प्रॉब्लम मानूंगा जिसको मैं वेलकम नहीं करता हूं, सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम। तो पॉइंट ऑफ व्यू किसी पर्सनल बंदे की अपना ओपिनियन किसी चीज को लेके, आर्गुमेंट जब दो बंदे दो डिफरेंट ओपिनियंस को लेकर आपस में बहस करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या फिर प्रॉब्लम किसी तरह की मुसीबत जब जब आप उस चीज को प्रेफर नहीं करते हो, वेलकम नहीं करते हो, तो हम इसको जो है वो प्रॉब्लम बोल देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप जो है, आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन टाइप ऑफ करेक्टली इज क्रूशियल स्टेप, मतलब कि आपको क्वेश्चन टाइप को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, किस तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्लाइड्स में ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस टाइप कितने तरह के क्वेश्चंस टाइप होते हैं। करेक्टली इज अ क्रूशियल स्टेप इन दिस टास्क टू एसे, बिकॉज इफ यू डू नॉट एनालाइज अ क्वेश्चन करेक्टली यू कुड एंड अप विद राइटिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट एसे ऑफ कोर्स। तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन टाइप, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, डिस्कशन टाइप हो गया। सेकेंड टाइप जो हमारे पास है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो ऑफ कोर्स ये आर्गुमेंट हो गया क्योंकि इसमें ओपिनियंस का डिफरेंसेस होगा। नेक्स्ट है डिस्कस द एडवांटेजेस, स्टार्टिंग में लिखा है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, डिस्कशन टाइप हो गया। डू द एडवांटेजेस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, जहां पर तो उसने बताया डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही बतानी है, डिस्कशन ही करनी है। जहां पर उसने पूछा डू द एडवांटेजेस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस, यहां पर एक तरह का आर्गुमेंट हो गया, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन मार्क हो गया ना कि क्या इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से या नहीं। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ऐसे में डिस्कशन अगेन आ जाती है, प्रॉब्लम क्या है और उसके सोल्यूशन कौन से होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे मीन्स ऑफ कोर्स डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं व्हाट वेयर व्हेन के साथ, तो उनकी डिस्कशन। नेक्स्ट डायरेक्ट, नेक्स्ट है डबल क्वेश्चन ऐसे, एक से दो या दो से तीन क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उनका आपको आंसर देना है। दिस इज अबाउट
दैट क्वेश्चन टाइप टू। नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखोगे एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन टाइप्स दे अपेयर इन द एक्चुअल टेस्ट विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल मैंने सेपरेटली इसलिए लिख दिया सो दैट यू विल सी सम ऑफ द पॉइंट्स कि हाँ भी पॉइंट्स के साथ आपको कैसे बताना है, मीन्स कैसे आप टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। दिस इज द फर्स्ट टास्क। इन दिस एसे टाइप यू विल बी गिवन ए स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी मोस्टली ऑफ टू अपोजिंग व्यू। ये चीज का ध्यान रखना दो अपोजिंग व्यू होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, अपोजिंग व्यूज एंड विल बी आस्क्ड टू डिस्कस द बोथ। अभी आपको क्या पूछा गया, बोथ दोनों के बारे में पूछा गया है एंड ऐड योर ओपिनियन, और आपने अपनी ओपिनियन ऐड करनी है क्योंकि वो बोल रहा है डिस्कस बोथ द व्यू। बोथ द व्यू डिस्कस कर लिए और अपनी ओपिनियन आपने दे दी। तो इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन तो एज इट इज सेम वैसे ही रहेगी। बीपी वन जो है बॉडी पैराग्राफ वन, जिसमें मैं एक साइड डिस्कस के लिए सजेशन दूंगा कि फर्स्ट साइड डिस्कस करनी है और बीपी टू में अदर साइड यानी कि दूसरी साइड जो भी आप साइड ले रहे हो वो साइड डिस्कस करनी है और कंक्लूजन में अपनी ओपिनियन देनी है, व्हाट एवर यू थिंक, व्हाट एवर यू फाइंड सूटेबल। तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है इसका नजर आएगा आपको। ये हमारे पास एक सैंपल नहीं बोलूंगा मैं, क्वेश्चन है हमारे पास। सम पीपल थिंक दैट पेरेंट्स शुड टीच चिल्ड्रन हाउ टू बी गुड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, अदर हाउएवर बिलीव दैट स्कूल इज अ प्लेस ऑफ टू लर्न देम। ये अभी स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट होगी, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। हाँ ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई यहां तक और ये सेकंड स्टेटमेंट होगी। दो स्टेटमेंट दी गई हैं आपको, दिस इज दीज आर द स्टेटमेंट। अभी आपको करना क्या है, डिस्कस बोथ द व्यूज, दोनों ही व्यूज डिस्कस करने हैं और अपनी ओपिनियन, ओन ओपिनियन यानी कि अपने ओपिनियन को जो आपको प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कि इसी टॉपिक को लेके क्या पॉइंट्स हमारे पास आ सकते हैं। देखो अभी मैं फर्स्ट साइड ले रहा हूं कि पेरेंट्स लाइक पेरेंट्स आर द प्राइमरी टीचर्स ऑफ द स्कूल, सोशल वैल्यू। लास्ट स्लाइड में जैसे कि हमने देखा कि डिस्कस बोथ द व्यू, दोनों व्यूज को डिस्कस करना था। तो फर्स्ट व्यू है कि पेरेंट्स को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, मॉरल वैल्यूज देनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशन को लेके जो है जो फर्स्ट पॉइंट है, तो इसमें हम पॉसिबली हम ये भी चीज मेंशन कर सकते हैं क्योंकि देखो फैमिली प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहला रोल जो है वो बच्चे की लाइफ में फैमिली का होता है क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी जो ट्रेडिशंस चीजें हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं। वो फर्स्ट सोशल एजेंट बोल सकते हैं हम। सोशल एजेंट पेरेंट्स को इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों में ये चीजें ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए शायद उनको सोशल एजेंट भी बोला जाता है। सो दे कैन इंस्टिल इंपॉर्टेंट वर्च्यूज सच एज ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, एम्पथी, यानी कि ये सारी चीजें, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड एम्पथी, सिम्पथी और एम्पथी, ये सारी चीजें जो है वो पेरेंट्स ही अपने बच्चे के बीच में डालते हैं। बच्चे के बीच में मतलब कि बच्चे को ये चीजें समझाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ लाइक द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ये सारी चीजें सिखाते हैं। सेकेंड चीज जो उसने बताई है दैट इज इंडिविजुअल अटेंशन। देखो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और अक्सर टीचर्स बोलते हैं कि हमारे लिए हर बच्चा सेम है, बट पेरेंट्स के मामले में हर एक बच्चा वो एक स्पेशल है। तो ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि वो अपना इंडिविजुअल अटेंशन दे, यानी कि बच्चे को सिखाएं भी ये चीज तेरे लिए ठीक है, ये चीज तेरे लिए गलत है, क्योंकि उनके पास एक ही बच्चा होता है, ठीक है। तो पेरेंट्स कैन प्रोवाइड द गाइडेंस, उनको गाइडेंस दे सकते हैं, मॉरल वैल्यूज दे सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट सिखा सकते हैं हम कि सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है, मतलब कि सोसाइटी को उसमें सोसाइटी में उसको कैसे बिहेव करना है। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्कूल, है ना, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो कि अपने बच्चे को डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो करवा सकते हैं कि क्या
चीजें होनी चाहिए। एंड मोर ओवर सबसे बड़ी बात, जो बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स हैं वो सिर्फ पेरेंट्स ही पूरी कर सकते हैं। क्लास में जितना मर्जी टीचर काबिल हो, जितना मर्जी नजदीक हो, वो पर्सनल नीड नहीं पूरी करेगा। सो दैट्स व्हाई पेरेंट्स का ये रोल, पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को प्रॉपर वे से ध्यान दें। नेक्स्ट जो है स्कूल एज अ प्राइमरी वेन्यू फॉर सोशल एजुकेशन। अभी मैंने बात की है, पहले बात की थी मैंने पेरेंट्स की, अभी बात कर रहा हूँ स्कूल की। स्कूल एज ए प्राइमरी वेन्यू सबसे पहले है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, देखो स्कूल में क्या है ना कि अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ते हैं, कि कोई कह लो कि मॉरली स्ट्रांग है, कोई फिजिकली स्ट्रांग है, या कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, यानी कि कोई रिच पर्सन का बंदा मतलब कि बच्चा पढ़ रहा है। तो अलग अलग तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो इस रेंज होने के बजाय और इस बैकग्राउंड होने के बजाय मीन्स बच्चे एक दूसरे से ये सीखते हैं कि कैसे एक तरह का व्यवहार करना है, कैसे एक तरह का बिहेव करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक क्लास में जो है वो 10 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, 2 बच्चे हैं जो कि जिनका जो पेरेंट्स हैं बहुत वेल एजुकेटेड है, उनको बहुत अच्छा घर में माहौल मिलता है, और तीसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि जिनकी बैकग्राउंड बहुत रूरल एरिया से है, और उनको कई बार क्या होता है ना कि बोलने की भी तमीज नहीं होती है कि कैसे बात करनी है। अभी जब ये तीनों कैटेगरी के बच्चे एक दूसरे के साथ आपस में बात करेंगे, तो इनफैक्ट यस ऑफ कोर्स टीचर क्लास में होता है, तो टीचर उनको ये चीज सिखाता है कि सबसे अच्छी तरह से बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में टीचर एंटर हो रहा है, चाहे बच्चा वो पुअर बैकग्राउंड से आया हो, चाहे रूरल एरिया से आया हो, चाहे अर्बन एरिया से आया हो, सभी बच्चे एक साथ खड़े होते हैं और से गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ये चीजें स्कूल में फॉर्मल वे से बच्चों को सिखाई जाती हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्कूल जो है वो अपना प्राइमरी रोल प्ले करते हैं। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर कुरिकुलम। अगर आप देखो ना जो भी कुरिकुलम है, जैसे कि मैंने ये पिक्चर में लगा रखा है, गेम स्पोर्ट्स, स्टोरी रिदम्स, स्टोरी एंड राइम्स, मॉरल वैल्यूज, बेसिक लाइफ लेसन, रियल लाइफ वर्ल्ड, तो ये सारी की सारी चीजें एक पहले से स्ट्रक्चर की गई होती है स्कूल में। क्योंकि स्कूल में जब बच्चा पढ़ने जाता है ना, सबसे पहले उसको मिलता है सिलेबस। सिलेबस में कि उसको करना क्या है, वो स्कूल उनका क्या करवाने जा रहा है, तो एक स्ट्रक्चर करिकुलम होता है जिसकी वजह से उनको पढ़ने में आसानी हो जाती है। ऐसा नहीं कि घर की तरह की हाँ भी पेरेंट्स अगर इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं तो दैट्स अ थिंग, दैट्स अ गुड थिंग, बट वो स्ट्रक्चर वे से नहीं होता। बट यहाँ पर स्ट्रक्चर वे से होता है कि हाँ भी उनको कितने प्रोजेक्ट लेने हैं, और क्या उनको आर्ट एंड क्राफ्ट जरूरी है, डांस एंड, कई बच्चे अभी क्या क्या है कि डांस एंड म्यूजिक ज्वाइन करते हैं, कई बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं। तो ये जैसे जैसे बच्चे सीखते जाते हैं तैसे तैसे, क्योंकि देखो ये सारी चीजें प्री प्लान्ड है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, जो बच्चा बोल रहा है मैं डांस और म्यूजिक नहीं लूंगा, मैं तो लूंगा आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये पहले से डिसाइड किया गया होता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में किस कितने लेसन होंगे, 1, 2, 3, 4, और वो लेसन कितनी देर तक चलेंगे, 6 महीने चलेंगे, 2 महीने चलेंगे। तो एक स्ट्रक्चर वे से होने की वजह से बच्चा जो है वो किसी भी बैकग्राउंड से हो अच्छी तरह से सीखता है। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स और स्कूल्स के बच्चों को ये चीजें दिखाए। तो ये मैंने दोनों साइड्स को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। दोनों साइड्स को पहले आपको डिस्कस करना है, फिर अपनी ओपिनियन बतानी है, व्हाट एवर योर ओपिनियन। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन टाइप सेकेंड है वो है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। ऐसे ये आर्गुमेंटेटिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल हैव ए स्टेटमेंट, अ जनरल या पॉपुलर बिलीफ और एन ओपिनियन। या तो वो एक पॉपुलर बिलीफ यानी कि फैक्ट होगा, या फिर एक ओपिनियन होगी, तो उसके साथ आपको एग्री या डिसएग्री होना है। यहाँ पर समटाइम द क्वेश्चन इज फॉलोड बाय एन एडिशनल क्वेश्चन एंड समटाइम द क्वेश्चन विल इंक्लूड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ये आपको मैं नेक्स्ट सैंपल में बताऊंगा और एग्जाम्पल में बताऊंगा कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट इसमें है हमारे पास इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल हैव अ स्टेटमेंट अ जनरल पॉपुलर बिलीफ और ओपिनियन एंड यू विल बी आस्क्ड क्या पूछा गया होगा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। जहां पर उसने पूछ लिया टू व्हाट एक्सटेंट तो हमें अपनी एक्सटेंट बताना है जिसमें हम कंप्लीटली भी लिख सकते हैं या पार्शली भी लिख सकते हैं। कंप्लीटली भी लिखेंगे तो एक साइड होगी, पार्शली भी लिखेंगे तो दूसरी साइड होगी। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यानी कि कितने पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए। अगर तो आप बोल रहे हो कि पार्शली एग्री यानी कि 100% एग्री नहीं हो तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इसका इंट्रोडक्शन का बनेगा, सेकेंड पैराग्राफ एग्री में जाएगा, थर्ड पैराग्राफ यानी कि BP2 डिसएग्री में और फोर्थ पैराग्राफ कंक्लूजन में जाएगा। सपोज कि सम पीपल लिविंग इन अ विलेज इज बेटर देन सिटी, डू यू एग्री और डिसएग्री। मैं बोल रहा हूँ कि आई पार्शली एग्री, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है वो मैं विलेज लाइफ का बनाऊंगा और दूसरा पैराग्राफ जो है वो मैं सिटी लाइफ का बनाऊंगा और लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा। और इन केस अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भैया मैं कंप्लीटली एग्री होऊंगा तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन सेम, यहाँ पर BP1 और BP2 दोनों ही सेम पैराग्राफ बनेंगे, या तो एग्री वाला होगा दोनों ही या फिर दोनों ही डिसएग्री होंगे। जैसे कि मैं सेम वही टॉपिक ले जाऊं, सम पीपल से दैट इट्स बेटर टू लिव इन विलेज देन इन सिटी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई कंप्लीटली एग्री तो मैं यहाँ पर दोनों पैराग्राफ ही एग्री के बनाऊंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आई कंप्लीटली डिसएग्री तो मैं दोनों पैराग्राफ ही डिसएग्री के बनाऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन एज इट इज ही रहेगा। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है एग्री वाले में कि टू व्हाट एक्सटेंड है, तो पार्शली एग्री लगाना है या कंप्लीटली एग्री लगाना है और बॉडी पैराग्राफ कितने होने चाहिए। नेक्स्ट ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइक टॉपिक आपका कैसा नजर आ रहा है। सम पीपल बिलीव दैट अनपेड कम्युनिटी सर्विस शुड बी अ कंपल्सरी पार्ट। कंपल्सरी पार्ट, जब मैं कंपल्सरी बोल रहा हूँ तो जरूरी पार्ट होना चाहिए, पार्ट ऑफ हाई स्कूल प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग फॉर ए चैरिटी, इम्प्रूविंग द नेबरहुड और टीचिंग स्पोर्ट्स टू यंग चिल्ड्रन। तो टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है और ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप भैया एग्री हो या डिसएग्री और किस हद तक हो, किस एक्सटेंट तक हो। तो स्टेटमेंट में रिपीट करके देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जो कम्युनिटी सर्विस है वो स्कूल में कंपल्सरी होनी चाहिए। तो जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ तो टू व्हाट एक्सटेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई एग्री, आई पार्शली एग्री, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ बोलूंगा हाँ भैया होनी चाहिए, दूसरी साइड पे मैं बोलूंगा कि नहीं ये कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, कि ये ऑप्शनल होनी चाहिए, जौन से स्टूडेंट रखना चाहते हैं वो रखे, जौन से स्टूडेंट नहीं रखना चाहते वो ना रखे। या फिर अगर मैं कंप्लीटली एग्री बोलूंगा तो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मैं या तो फेवर में जाऊंगा या फिर इसके अपोज में जाऊंगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है मेरे पास, बट यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन है हमारे पास। इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज द बेस्ट वे टू सॉल्व ग्रोइंग ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम। अभी इसमें देखो कि यहाँ पर एक सजेशन दी हुई है और सजेशन के बारे में पूछा गया है। इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये एक सजेशन है, सजेशन दी हुई है और ये सजेशन से ये जो ट्रैफिक और पोल्यूशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी ये हमसे पूछा गया है। बेसिकली इट्स अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसमें आपको सुजेशन दी गई है कि हाँ भी पोल्यूशन जो है वो ट्रैफिक और पोल्यूशन कंट्रोल होगा पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज करने से। पहले तो उसने क्वेश्चन पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री, सेम फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड अगर आप एग्री हो तो, अगर आप डिसएग्री हो तो, और नेक्स्ट फिर आप नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। What other measures? अगर तो आपको लगता है कि हाँ भी ये solution नहीं है, और कौन से measures और कौन से ways adopt करने चाहिए, तो आप वो third paragraph में बताओगे। जैसे कि वे हो सकते हैं कि awareing the people about the traffic, about the environment, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं
और लास्ट में कंक्लूजन एज इट इज ही रहेगा। तो ये एग्री और डिसएग्री में ये एक एडिशनल चीज आ जाती है जब आपको एक एडिशनल क्वेश्चन दिया होता है और आपने उस एडिशनल क्वेश्चन का आंसर भी देना होता है। नेक्स्ट, सम पीपल क्लेम दैट नॉट इनफ ऑफ वेस्ट फ्रॉम द होम इज रिसाइकल्ड। दे से दैट द ओनली वे टू इंक्रीज रिसाइकलिंग इज फॉर गवर्नमेंट टू मेक इट अ लीगल रिक्वायरमेंट। ये स्टेटमेंट है। पहले तो ये है कि लाइक बहुत सारा वेस्ट जो है वो प्रॉपर वे से रिसाइकल नहीं होता है। तो लोग कहते हैं, लोग क्लेम करते हैं, ओनली वे टू इंक्रीज रिसाइकलिंग इज रिसाइकलिंग को इंक्रीज करने के लिए इसे लीगल रिक्वायरमेंट बना देना चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक लॉज आर नीडेड टू मेक पीपल रिसाइकल मोर ऑफ देयर वेस्ट। तो अभी इस क्वेश्चन में जो है वो स्टेटमेंट का कुछ पार्ट लिया गया है, लॉज हो गया, नीडेड हो गया, तो ये चीज देख के चलनी है। पहले तो उसने पूछा कि टू व्हाट एक्सटेंट यानी कि एग्री या डिसएग्री। अभी उसने एग्री या डिसएग्री लिखने के बजाय सिर्फ लिख दिया डू यू थिंक लॉज आर नीडेड, की लॉज की जरूरत है। सेम इंट्रोडक्शन BP1, यस मीन्स अगर आप सोचते हो कि जरूरत है, और BP2 अगर आप सोचते हो नहीं जरूरत है, मीन्स पार्शियल एग्री के इसमें। अगर आप सिर्फ एक ही मतलब कि कंप्लीटली एग्री बोल रहे हो, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ पार्शियल, सेकंड पैराग्राफ एग्री, थर्ड पैराग्राफ भी एग्री, एंड फोर्थ पैराग्राफ इज कंक्लूजन। तो ये जो है हमारे पास वो एग्री डिसएग्री वाले क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन टाइप 3, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे। तो बेसिकली ये एक डिस्कशन टाइप है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सिर्फ आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही पूछी जाएंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें है क्या। सो इन दिस टाइप यू विल हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया होगा, स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सम काइंड ऑफ सिचुएशन एंड यू विल बी आस्क्ड टू कमेंट ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही चीजें बतानी है ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो ये ऑफ कोर्स एंडिंग होगी से इसकी, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जो भी क्वेश्चन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन का आएगा, सेकेंड पैराग्राफ एडवांटेजेस, या फिर आप सिंगल एडवांटेज भी ले सकते हो, एंड थर्ड पैराग्राफ यानी कि BP2 जो है वो डिसएडवांटेजेस या फिर सिंगल डिसएडवांटेज भी ले सकते हो, और लास्ट में जो आएगा वो होगा कंक्लूजन पार्ट। तो ये स्ट्रक्चर होगा जो आपको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट टाइप यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 या टाइप 4 है जो वो हमारे पास है, डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवेट, इस चीज को हम फोकस करेंगे, आउटवेट द डिसएडवांटेजेस ऐसे। ये जो मतलब कि वर्ड है ना आउटवेट, ये इससे ये डिस्कशन से, डिस्कशन टाइप से ये बन जाता है हमारे पास आर्गुमेंटेटिव टाइप, यानी कि ये हमें लीड करता है कि किसी तरह का आर्गुमेंट होने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इन दिस टाइप ऑफ एसे यू विल बी गिवन ए शॉर्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सिचुएशन एंड यू विल बी आस्क्ड टू कमेंट ऑन गिवन सिचुएशन। यहाँ पर तो सब ठीक है कि सेम वैसा ही है जैसे कि हमारे पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में था, बट यहाँ पर वेदर इट्स एडवांटेजेस आर स्ट्रॉन्गर यानी कि आउटवेट करती हैं डिसएडवांटेजेस से या फिर नहीं। तो ऑफकोर्स इसकी एंडिंग होगी डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस। सो दिस इज द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ अस, स्टेटमेंट हमारे पास, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू बिगिन लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज एट अ प्राइमरी स्कूल। अभी ये जो है ना, ये
वर्ड प्राइम स्कूल रेदर देन सेकेंडरी स्कूल, ये जो है ना वो आर्गुमेंट्स हैं कि हाँ भी बच्चे को लैंग्वेज तो सीखनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये लैंग्वेज उसको प्राइमरी स्कूल में सीखनी चाहिए या फिर सेकेंडरी स्कूल में सीखनी चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस, किस चीज के एडवांटेजेस कि टू बिगेन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज एट प्राइमरी स्कूल, यानी कि बच्चे को लैंग्वेज प्राइमरी स्कूल में सीखनी चाहिए बजाय के सेकेंडरी स्कूल में। डू द एडवांटेजेस यानी कि प्राइमरी स्कूल में लैंग्वेज सीखने के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज मतलब कि सेकेंडरी स्कूल में लैंग्वेज सीखने को आउटवेट करते हैं या फिर नहीं। कीप वन थिंग इन माइंड, जब भी आप ये ऐसे लिखने लगो तो उसमें आपको एज फैक्टर का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप प्राइमरी स्टूडेंट्स मीन प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स मीन्स द स्टूडेंट्स अप टू द एज ऑफ 10 11, बट अगर मैं सेकेंडरी स्कूल की बात करूं तो वो टीनेजर्स आ जाते हैं। तो इसमें लाइक कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होंगे, जैसे कि छोटे बच्चों की ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट है, एट द प्रेजेंट टाइम द पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज, पॉपुलेशन ऑफ सम कंट्रीज, इसने सम कंट्रीज बोला, इंक्लूड ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग एडल्ट्स कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल। यहाँ पर कंपैरिजन किया उसने यंग पीपल का ओल्ड पीपल के साथ, यानी कि काफी सारे देशों में कुछ कंट्रीज में जो यंग पीपल की पॉपुलेशन है वो ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन से ज्यादा है। डू द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन आउटवेट द डिसएडवांटेजेस, क्या इस सिचुएशंस के एडवांटेजेस ज्यादा हैं या नहीं है। स्ट्रक्चर सेम से वही लगेगा, बट लाइक यू शुड बी केयरफुल कि यहाँ पर आपको ए, यहाँ पर आपको अडल्ट यंग अडल्ट और ओल्ड पीपल की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मेंशन करनी है, और आपको ये भी बताना है कि क्या ये आउटवेट करती है या नहीं करती है। नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन टाइप 5, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। आपको प्रॉब्लम दी गई होगी, आपसे सॉल्यूशन पूछा गया होगा इस तरह के ऐसे में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत तरह की, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका आपको सॉल्यूशन बताना होगा। इन दिस टाइप ऑफ ऐसे यू विल सी ए वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दी होगी प्रॉब्लम की, मोस्टली इट विल स्टार्ट विद ए जनरल प्रॉब्लम, पहले तो एक जनरल प्रॉब्लम होगी एंड देन मूव टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एंड देन यू विल हैव टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आस्किंग टू डिस्कस इट्स कॉजेस यानी कि रीजन एंड सजेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन सोल्यूशन, ये दो चीजें आपको बतानी होगी। अभी ये चीज माइंड में रखिए, पहले तो आपको जो प्रॉब्लम बताई गई होगी वो जनरल से लेके स्पेसिफिक होगी, और देन आपको बताना क्या है कॉजेस इसके कारण और सम पॉसिबल सोल्यूशन। तो व्हाट यू थिंक आर द कॉजेस ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट सोल्यूशन यू कैन सुजेस्ट, कुछ ऐसी ही या मिलती जुलती आपकी इसकी क्वेश्चंस की हेडिंग होगी। स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन सेम एज इट इज, रीजन रीजन यानी कि कॉजेस, क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेस ये हो जाएगा, और लास्ट में जो है वो सॉरी थर्ड पैराग्राफ में आ जाएगा सॉल्यूशन की, जो आप सोचते हो जो आपको ठीक लगता है, एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन जो आपको मतलब कि जो आप कंक्लूड करने चाह रहे हो। हालांकि मैं अपनी दूसरी स्लाइड में बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, रीजन कैसे लिखने हैं, और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल जिसमें स्टेटमेंट दी हुई है, इन सम कंट्रीज द एवरेज वेट ऑफ पीपल, एवरेज वेट ऑफ पीपल ये फोकस क्वेश्चन है, इज इंक्रीजिंग। अभी एवरेज वेट ऑफ पीपल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड देयर लेवल्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इज एंड इज डिक्रीजिंग, उनके लेवल ऑफ हेल्थ और फिटनेसेस जो है वो कम हो रहे, डिक्रीज हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेस, तो हमसे पूछा क्या गया है, तो एक तो हमें कॉजेस बताने हैं, कारण बताने हैं इस प्रॉब्लम के, एंड व्हाट मेजर्स कुड बी टेकन टू सॉल्व, दूसरा हमें बताना है इसका सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन क्या है, ये दो चीजें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये तो खैर सभी चीजों में लिखा होता है,
ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, इन सम कंट्रीज द एवरेज वेट ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग, जो एवरेज वेट है वो बढ़ रहा है, इसके ये ऑफकोर्स प्रॉब्लम है, उसके कारण क्या है, एंड एंड देयर लेवल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस आर डिक्रीजिंग, और उनके लेवल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस डिक्रीज हो रहे हैं, उसके कारण बताने कॉजेज और सोल्यूशन। कारण कुछ भी हो सकते हैं, अनहेल्दी फूड या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है, सोल्यूशन कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि अवेयरनेस हो सकती है या फिर डिसिप्लिनड डाइट। तो फिर किसी दिन किसी टॉपिक, मतलब कि जब मैं ये टॉपिक लूंगा तब हम बात करेंगे इस चीज का। क्वेश्चन टाइप 6 या ये जो है वो है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताना है। इन दिस एसे यू इन दिस एसे टाइप ऑफन यू विल सी ए टैगलाइन फॉलोड बाय ए डायरेक्ट क्वेश्चन। टैगलाइन क्या है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उसका क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया होगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन का आएगा एज इट इज एज यूजुअल, और सेकंड पैराग्राफ जो है BP1 आंसर द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर, और BP2 में सेम अगेन सेम आंसर, आंसर द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर, और लास्ट में कंक्लूजन पार्ट आपको देना होगा। जैसे कि ये है, You should spend 40 minutes on this task. Present a written argument on case or case to an educated reader with their no specialist knowledge of the following topics. Topic kya hai? In many countries, children are engaged in some kind of paid work. Many countries mein kind of paid work mein wo matlab ki paid work karte hain, yani ki kahin par job karte hain. Some people regard this as a completely wrong. Ye abhi tagline ho gayi. While other consider it as a valuable work experience. कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ भैया ये ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उन्हें means better है अपना कुछ like understand करना चाहिए, अपना अपने मतलब की study पर focus करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भैया ये ठीक है क्योंकि इससे उनको एक तो experience मिलता है और दूसरी चीज उन जो importance of learning, उनकी importance of learning जो है वो बढ़ती है। What are your opinion? आपके क्या opinion है on this इस topic पर? You should use your own ideas, knowledge and experience and support your arguments with examples and relevant evidences. Examples के साथ आपको relevant evidences बताने हैं। Last type of questions हमारे पास है वो है double questions ऐसे, यानि कि हमसे दो या दो से ज़्यादा questions पूछे गए होंगे, उसका हमें answer देना होगा। In this essay type, often you will see a tagline or a situation. Again, एक tagline होगी situations को लेकर, followed by a set of two questions. दो questions तो कम से कम होंगे। Sometimes the first question will be more general. जो first question है वो general होगा और second question जो है वो specific होगा, यानी कि आपसे related होगा। अभी देखते हैं ये क्या है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो इंट्रोडक्शन, आंसर द क्वेश्चन, जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, और देन सेकंड में आपको सेकंड का आंसर देना है, और लास्ट में जो है कंक्लूजन देना है। ये है हमारे पास राइटिंग टास्क 2। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक, अलग अलग तरह के म्यूजिक जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक, यानी कि टाइप ऑफ म्यूजिक की बात हुई है इन द वर्ल्ड टूडे। Why do we need music? ये first question हो गया। सबसे पहले कि हमें music की क्यों जरूरत है। Second है, is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere these days? ये second question हो गया। सबसे पहला question तो general question हो गया कि हमें जरूरत ही क्यों है music की, और second question है क्या traditional music ज़्यादा important है general music से या फिर इंटरनेशनल म्यूजिक से ट्रेडिशनल म्यूजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जनरल है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक है, और टैगलाइन क्या थी म्यूजिक को लेके। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप म्यूजिक के बारे में एक्सप्लेन करो, बट ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर भी देना है कि क्यों, रीजन बताने हैं आपको कि क्यों म्यूजिक की हमें क्यों जरूरत है। 1, 2, 3 जो जितने आप पॉइंट बता सको। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप नंबर ऑफ पॉइंट बताते जाओ, 10-12 पॉइंट बता दो और फिर स्पेस ही ना बचे।
तो 2 या 3 पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग बहुत होंगे, क्योंकि आपको एग्जाम्पल भी देनी पड़ेगी। और सेकंड टाइप में आपको जो है वो ट्रेडिशनल म्यूजिक, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है कि ट्रेडिशनल म्यूजिक क्या वाकई में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरनेशनल म्यूजिक से। हैप्पीनेस इज कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, ये एक जनरल टैगलाइन है, इसको हम टैगलाइन बोल देते हैं। Why it is difficult to define? First question कि ये इतनी difficult क्यों है define करने के लिए? What factors are important in achieving happiness? ये दो questions हो गए। First question, इसको define क्यों करना मुश्किल है? And second thing is what factors? यहाँ पर factors बताया गया, तो we have to talk about number of things, 1, 2, 3, 4 number of factors हो सकते हैं। You should give reason for your answer using your own ideas and experience. तो ये आपको यहाँ पर अपने कुछ relevant examples जो है वो आपको mention करनी होगी। तो ये आपका जो है वो double question type हो गया। Next है, as most people spend a major part of, अभी यहाँ पर ये देखो, a major part of their adult life at work, job satisfaction is an important element of individual being. जैसे कि बहुत सारे लोग जो अपना मेजर पोर्शन है अपनी लाइफ का वो वर्क पे स्पेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर पूछा गया जॉब सेटिस्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेलबींग, और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पर होना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है, व्हाट फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट द जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन में कौन कौन से फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, किन चीजों को हम लेके बता सकते हैं कि हाँ भी हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन है। हाउ रियलिस्टिक इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर ऑल वर्कर्स, कितनी रियलिस्टिक है, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन अपनी रियल लाइफ में फाइंड आउट करना कितनी रियलिस्टिक है, या फिर हाँ वाकई हम इसे अचीव कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन जनरल टाइप का हो गया, जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, जहां पर हम बता रहे हैं कि क्या ये रियलिस्टिक है भी या फिर नहीं। तो ये डबल क्वेश्चन की एक नई और एग्जांपल थी, जहां पर एक सिचुएशन दी गई थी और दो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर बेस्ड वो बताए गए थे। Nowadays, the way many people interact with each other, means way of interaction with each other has changed. अभी change हो गया क्यों? Because of technology, technology की वजह से। In what ways has technology affected the type of relationship? अभी पहला question है, in what ways? आपको वो ways बताने हैं, तरीके बताने हैं कि technology ने effect किया है relationship को। And second one is, this become a positive or negative development? क्या ये positive है या फिर negative development है? उसने आपसे पहले तो ways पूछ ली है, फिर आपसे उसने justification पूछी है, या उसने आपकी justification या फिर कह लो कि अपनी आपको analytical thinking का use करते हुए बताना है कि ये positive है या negative है, वो आप तभी बता पाओगे अगर आप उसे अच्छी तरह से देखोगे, पढ़ोगे या फिर परखोगे। तो फिर किसी दिन मतलब कि हम बात करेंगे इस टॉपिक के डिटेल में। आर्गुमेंट एंड डिस्कशन एसेज, एक्चुअली ये स्लाइड्स मैंने लास्ट में लगाई है आपको जस्ट बताने के लिए कि आर्गुमेंट जो ऐसे हैं वो डिस्कशन ऐसे से कैसे डिफरेंट होते हैं। कुछ मेरे पास एंडिंग्स हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ ऐसे इन द टास्क टू, आर्गुमेंट ऐसे एंड डिस्कशन ऐसे। द डिस्कशन ऐसे विल आस्क यू टू डिस्कस ए गिवन सिचुएशन, जो कि आपको बताएगा कि गिवन सिचुएशन पर आपको डिस्कस करना है। रिपीट, डिस्कशन का मतलब यहाँ पर दो बंदे, दो पार्टीज एक ही चीज पर डिस्कस कर रहे हो, और वो तभी डिस्कस कर सकते हैं अगर वो एक ही चीज पर एग्री हो। सिचुएशन ऑन योर ओपिनियन, डिस्कशन ऐसे समटाइम्स हैव मल्टीपल क्वेश्चंस टू हैंडल, कई बार इसके 2, 3, 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, आर्गुमेंट ऐसेज विल आस्क यू टू चूज वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट एंड सपोर्ट इट, इसमें क्या है कि आपको दो साइड्स दी गई होंगी, उनमें से आपको एक साइड चूज करनी है, यानी कि दोनों साइड ऑपोजिट होंगी, जिसमें से आपको एक साइड चूज करनी है और बताना है कि आपकी जो साइड चूज कर रहे हो वही बेटर क्यों है, और यहाँ पर आपको आर्गुमेंट भी करना है और अपना
पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ठीक क्यों है। नेक्स्ट वन, ये कुछ आर्गुमेंट एसेज की एंडिंग्स हैं, एग्जांपल्स। डू यू एग्री और डिसएग्री? इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? और डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवेट द डिसएडवांटेजेस? ये आर्गुमेंट एसेज हैं जहां पर दो साइड्स में आपको एक को सपोर्ट करना है। तो डिस्कशन एसेज की जो एंडिंग्स हैं वो कुछ ऐसी होंगी, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको डिसएडवांटेजेस भी मेंशन करनी है और एडवांटेजेस भी मेंशन करनी है, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों ही मेंशन करनी है। एंड नीड नॉट टू आर्ग्यू कि कौन सी साइड बढ़िया है या कौन सी साइड अच्छी नहीं है। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओपिनियन। इस केस में आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नो डाउट दोनों चीजें बतानी है और आपको अपनी ओपिनियन भी देनी है कि हाँ भी आप किसके साथ जाओगे, एडवांटेज के साथ जाओगे या आपको लगता है कि डिसएडवांटेज ज्यादा है, या फिर लास्ट में डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ दिस आर्गुमेंट एंड देन गिव योर ओपिनियन। दोनों साइड्स के आर्गुमेंट के साथ आपको डिस्कस करना है और देन लास्ट में अपनी ओपिनियन मेंशन करनी है। और लास्ट में व्हाट आर द कॉजेस, इसके कारण क्या हैं, मतलब कि जो भी आपको प्रॉब्लम बताई गई होगी उसके कारण क्या है, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन, और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, किन चीजों की वजह से या किन चीजों की हेल्प से इसको दूर किया जा सकता है। दैट्स इट फॉर योर डिस्कशन एसेज। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइमिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियोस देख के क्वेश्चन टाइप एटलीस्ट अंडरस्टैंड होंगे होंगे जो कि 7 टाइप्स हैं। मिलते हैं और बहुत सारी नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।